This is showtime. 7 a.m. run prepare. PCR run activate. Activation got. Last 3, 2, 1. Roll PCR. PCR rolling. Stand by. Out. Take. Cue. कुछ आंखें सपने देखती हैं, कुछ सपने जुनूनी होते हैं, कुछ जुनूनी जिद्दी होते हैं, कुछ जिद्दी कर गुजरना चाहते हैं, कुछ कर गुजरने वाले आवाज बनते हैं, कुछ आवाजें इनकलाब लाती हैं, कुछ इनकलाबी दुनिया को जगाते हैं, क्योंकि कुछ जागने वाली आंखें सपने देखती हैं। बेस्ट रीजनल न्यूज चैनल जनता टीवी। जनता टीवी महज न्यूज चैनल नहीं बल्कि आवाज है आम आदमी की, जिसके गुमनाम दर्द और शोर को यहां बाबुलंद आवाज में तब्दीली मिली। और जनता टीवी का लक्ष्य ना सिर्फ नंबर वन की होड़ में बने रहना और ना सिर्फ टीआरपी की होड़ के लिए काम करना बल्कि सच को सामने लाना, यही हमारा उद्देश्य है। जनता टीवी एक नाम नहीं व्यवस्था से संग्राम है, एक आवाज जो कहती है कि ये सूरत बदलनी तो चाहिए, एक अपील जो कहती है उठो और उठाओ हक की आवाज, एक भरोसा जो कहता है हम हैं आपकी अपनी आवाज। जनता टीवी की शुरुआत कई सवालों के बीच हुई। सवाल कहना इसलिए भी सटीक होगा क्योंकि इतने चैनलों की भीड़ के बीच बड़ा सवाल यही था कि हम क्या खास करने वाले हैं, जनता हमें क्यों देखेगी, क्या भीड़ जुटाने के लिए हम भी छोटी बात को बड़ा बवाल बनाकर या झूठे सच्चे रहस्यों और भूत प्रेत की कहानियों का सहारा लेंगे? जवाब था नहीं। चैनलों की इस भीड़ में जनता टीवी अपने सिद्धांतों के साथ उतरा। हमने दिया आम आदमी को वो मंच जहां वो खुलकर अपनी बात रख भी सकता था और खुद अपने हुक्मरानों से सवाल भी कर सकता था। मैं ऑर्डनेंस फैक्ट्री में सर्विस करता था, मेरा जरा से लड़ाई झगड़े में रिमूवल हुआ, इतनी मैंने गुहार लगाई, मुझे दिलासा दिलाई, मैं केस आपका कंसीडर कर रहा हूँ, आज तक कंसीडर नहीं हुआ। हमारे वार्ड में 10 साल से गंदा पानी आ रहा है, उसके पास जब पब्लिक समस्या लेके गए अपनी तो कहते आरो लगवा ले अपने घर में, एक गरीब आदमी आरो कहां से लगवा लेंगे। जनता टीवी अपने विचारों में सदा से उन्मुक्त रहा है, शायद इसलिए भी क्योंकि चैनल रहते हुए भी ये एक जीवंत पुरुष की भांति अपने सिद्धांतों पर टिका रहा। हमने खबरों को मुहिम के तौर पर चलाया, उसे सिर्फ उठाया नहीं, डंके की चोट पर बार बार व्यवस्था को झकझोरने का भी काम किया। फिर महकमा चाहे कोई भी हो, कोई भी अधिकारी, नेता, मंत्री या किसी की भी सरकार रही हो, अपनी बेबाकी, सच को सच बताने की हिम्मत और जुझारू रवैये ने चैनल के सामने कई बार चुनौतियां खड़ी की। साल 2013 में भी कुछ ऐसा ही हुआ, पूरे प्रदेश में जनता टीवी का प्रसारण रातों रात बंद कर दिया गया। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का मुंह दबोच कर बंद करने की कोशिश हुई और इसकी गूंज दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास के बाहर तक सुनाई दी और इतिहास ने एक बार फिर से खुद को दोहराया। सच से बैर रखने वाली ताकतों को आखिरकार झुकना पड़ा, विजय एक बार फिर से सत्य की हुई। जनता टीवी एक नए उमंग, नए तरंग, नए जोश के साथ एक बार फिर और भी ज्यादा जुझारू बनकर खड़ा हुआ। पत्रकारिता के मूल सिद्धांतों और निष्पक्षता का अघोषित संकल्प लिए हम हमेशा बढ़ते रहे। साल 2016 में
जनता टीवी ने कदम बढ़ाते हुए पंजाब में कदम रखा। खबरों की दुनिया में हमने यहां भी अपना लोहा मनवाया। जनता टीवी निरंतर प्रगति के पथ पर अपने ध्येय के साथ बढ़ रहा है। 2018 में हमने एक नई शुरुआत के साथ हिमाचल प्रदेश में भी विस्तार किया। अब जनता टीवी हरियाणा, पंजाब और हिमाचल में एक पुरोधा की तरह पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। चाहे सरकार किसी भी पार्टी की रही हो, जरूरत पड़ने पर जनता के सरोकारों को लेकर हमने हमेशा तत्कालीन सरकारों के समक्ष सवाल खड़े किए। जनता टीवी की खबर पर एक बार फिर मोहर लगी है और इसी के साथ दिल्ली में भी सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। योजनाओं के ऐलान से लेकर अंजाम तक हरियाणा की राजनीति की हर बड़ी खबर जनता टीवी पर। पवन सिंवर, जनता टीवी, चंडीगढ़। चंडीगढ़ से जनता टीवी के लिए पूजा वर्मा की रिपोर्ट। सुखचैन सिंह, जनता टीवी, अमृतसर। विकास शर्मा, जनता टीवी, शिमला। फील्ड में हमारे समर्पित रिपोर्टर्स चप्पे चप्पे पर आपके हितों की रक्षा के लिए अपनी आवाज बुलंद करते आए हैं। ये वही है जो सूचनाओं की भीड़ से खबरें भी ढूंढ निकालते हैं और सूचनाओं के शोर शराबे में आपकी सिसकियों को भी सुन लिया करते हैं, क्योंकि हम हैं जनता टीवी। आपकी।